संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे लोट लकार आज्ञार्थक। लोट लकार का मतलब होता है जहां हमें आज्ञा देनी होती है वहां पर हम लोट लकार का प्रयोग करते हैं। धाव धाव का मतलब होता है दौड़ना, और धातु को हिंदी में बोलते हैं क्रिया, और संस्कृत में धातु कहते हैं, इंग्लिश में हम इसे कहते हैं वर्ब। प्रत्येक धातु के तीन वचन होते हैं, एकवचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। और प्रत्येक धातु के तीन ही पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। एक बात बहुत ही अच्छी तरह से जानना है वो ये है कि ये जो कर्ता है मध्यम पुरुष के, ये निश्चित होते हैं। जैसे त्वं मध्यम पुरुष एक वचन है, इसका मतलब होता है तुम। युवाम मध्यम पुरुष द्विवचन होता है, इसका मतलब होता है तुम दोनों। और यूयम मध्यम पुरुष बहुवचन है, इसका मतलब होता है तुम सब, इसका मतलब होता है तुम सब। इसको ठीक कर देता हूं, गलती से ये आ गया है। इसका मतलब होता है दोस्तों तुम सब, ठीक है, इसका मतलब होता है तुम सब। आगे हम बात करते हैं उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष के कर्ता देखिए अहम, अहम का मतलब होता है मैं। और आवाम, आवाम का मतलब होता है हम दोनों। और नेक्स्ट है वयम, वयम का मतलब होता है हम सब। तो हमने जान लिया उत्तम पुरुष के कर्ता और मध्यम पुरुष के कर्ता। देखिए एक बार फिर, मध्यम पुरुष के कर्ता त्वम, युवाम, यूयम। उत्तम पुरुष के कर्ता हैं अहम, आवाम और वयम। तो कुल संख्या कितनी हो गई, एक, दो, तीन, त्वम, युवाम, यूयम। मध्यम पुरुष के केवल ये तीन ही कर्ता होते हैं, इनके अलावा मध्यम पुरुष का कोई कर्ता नहीं होता। और उत्तम पुरुष के कर्ता देखिए अहम, आवाम, वयम, ये तीन कर्ता ही उत्तम पुरुष के होते हैं, इनके अलावा उत्तम पुरुष का कोई कर्ता नहीं होता। तो हमारे कर्ता कितने हो गए, मध्यम पुरुष के तीन और उत्तम पुरुष के तीन। तो इन छह कर्ताओं के अलावा जितने भी कर्ता होते हैं वो सभी प्रथम पुरुष के कर्ता होते हैं। ये आपको याद रखना है, जिससे कोई भी वाक्य बनाए हम तो हमारी कोई भी कर्ता से संबंधित कोई भी गलती न हो, ठीक है। अब देखिए दूसरी बात यह है कि कर्ता हमें जिस पुरुष का लेना है उसी पुरुष की हमें क्रिया लेनी, ठीक है। तो देखिए अब कर्ता की बात करते हैं हम, कौन से प्रथम पुरुष के कर्ता की। ये प्रथम पुरुष है और प्रथम पुरुष की क्रिया है धावतु। तो देखिए प्रथम पुरुष का कर्ता हम से ले रहे हैं पुल्लिंग, से का मतलब होता है वह। तो आगे दे रखा है धावतु, तो से धावतु वह दौड़े, वह दौड़े। यहां पर से के स्थान पर हम सा भी लिख सकते हैं, राम है, मोहन है, गणेश है, सुरेश है, सीता, रीता, कुछ भी, लेकिन वो प्रथम पुरुष एकवचन होना चाहिए। तो से धावतु वह दौड़े। यहां पर तव प्रथम पुरुष द्विवचन का कर्ता है और प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया क्या है, धावता। तव धावताम वे दोनों दौड़े, इस प्रकार से वाक्य बना। नेक्स्ट है ते, ते का मतलब वे सब, और वे सब प्रथम पुरुष बहुवचन का कर्ता है तो प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया होगी धावंतु। ते धावंतु वे सब दौड़े, इस प्रकार से वाक्य बनेंगे। तो यहां पर से के स्थान पर हम कोई भी प्रथम पुरुष एकवचन कर्ता ले सकते हैं, जिसके विषय में हम बात कर चुके हैं अभी कि प्रथम पुरुष क्या होता है। जो उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के कर्ता नहीं है वो प्रथम पुरुष के कर्ता होंगे। जैसे यहाँ पर लिख दिया मैंने राम है, राम है धावतु, राम एकवचन है, प्रथम पुरुष है, तो प्रथम पुरुष एकवचन की क्रिया क्या हुई, धावतु। तो राम है देखिए, नहीं तो मध्यम पुरुष में तो हम युवा कहीं राम नहीं दिखाई दे रहा है। उत्तम पुरुष का कर्ता देखिए अहम, आवाम, कहीं रामे नहीं दिखाई दे रहा है, तो
तो जो रामय है वो प्रथम पुरुष एक वचन है, इसका मतलब। और जैसे द्विवचन में देखते हैं कि रामय सीता जय, तो ये द्विवचन हो गया। और बहुवचन में देखेंगे रामय सीता गीता जय, तो बहुवचन हो गया। तो इस प्रकार एक वचन के लिए एक वचन की क्रिया, द्विवचन के लिए द्विवचन की क्रिया और बहुवचन के लिए बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करते हैं। अब मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता देखिए तो निश्चित होते हैं, तुम मध्यम पुरुष एक वचन है और मध्यम पुरुष एक वचन हो गया था, तुम था, तुम दौड़ो। नेक्स्ट है युवा मध्यम पुरुष द्विवचन का कर्ता है, मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया क्या हुई, धावतम, युवाम धावतम, तुम दोनों दौड़ो। और मध्यम पुरुष बहुवचन का कर्ता क्या है, यूयम, यूयम धावत, तुम सब दौड़ो। तो मध्यम पुरुष के कर्ता निश्चित है एक वचन द्विवचन और बहुवचन, इनके अलावा मध्यम पुरुष का कोई कर्ता नहीं होता, यह आप अपने दिमाग में निश्चित कर लीजिए। नेक्स्ट है उत्तम पुरुष के कर्ता भी निश्चित होते हैं। देखिए उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता क्या है, अहम, अहम का मतलब मैं, और धावानी उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है, अहम धावानी, मैं दौड़ू। नेक्स्ट है आवाम, हम दोनों, उत्तम पुरुष द्विवचन का कर्ता है और आवाम धावा, हम दोनों दौड़े। नेक्स्ट है वयम, वयम मीन्स हम सब, और धावा मीन्स दौड़े, वयम धावाम, हम सब दौड़े। इस प्रकार से हम वाक्य बनाते हैं, जिस पुरुष का कर्ता है उसी पुरुष की हम क्रिया का प्रयोग करते हैं। एक बार हम उच्चारण करते हैं, धावतु धावताम धावन्तु, धाव धावतम धावत, धावानी धावा धावा, इस प्रकार से हम प्रयोग करते हैं। अब देखिए अनुवाद का नियम एक बार और देख लीजिए, संस्कृत से हिंदी में तथा हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करने का नियम क्या है। देखिए ध्यान से, जिस पुरुष तथा वचन का कर्ता है, ये हम बात कर चुके हैं अभी अभी, उसी पुरुष तथा वचन की क्रिया होगी जो हमने अभी वाक्य बनाए। अब देखिए यहां पर तुआ में मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता है, मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया तुम था, तुम दौड़ो। फिर मध्यम पुरुष द्विवचन का कर्ता युवाम, मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया धावतम, युवाम धावतम, तुम सब, तुम दोनों दौड़ो। और यूयम मध्यम पुरुष बहुवचन का कर्ता, और धावत मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया, युवम धावत, तुम सब दौड़ो। दोबारा देखिए, त्वम धाव, तुम दौड़ो, युवाम धावतम, तुम दोनों दौड़ो, यूयम धावत, तुम सब दौड़ो। अब उत्तम पुरुष देखिए, अहम मैं, धावानी दौड़ो। तो अहम उत्तम पुरुष एक वचन, धावानी उत्तम पुरुष एक वचन, अहम धावानी, मैं दौड़ो, आवाम हम दोनों, धावा दौड़े, आवाम उत्तम पुरुष द्विवचन का कर्ता, धावा उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया, आवाम धावा हम दोनों दौड़े, वयम उत्तम पुरुष बहुवचन का कर्ता और धावा उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया, धावा, यहाँ पर धावा आ गया, हमें लिखना है यहाँ पर धावा, ठीक है, तो गलती से आ गया, अभी इसको ठीक कर देते हैं, धावा, ये ध्यान रखना है। एक बार फिर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, तो वयम धावाम ये बन गया हमारा, हम सब दौड़े, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, यहां पर प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता है से, प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता से हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए सा प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता, सा मीन्स वह स्त्रीलिंग है। फिर आगे देखिए प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता भवान, भवान मीन्स आप। अभी जो डार किए से सा भवान,
ये देखिए यहाँ पर मध्यम पुरुष के कर्ता में है त्वम युवाम यूयम नहीं है, उत्तम पुरुष के कर्ता अहम अवम अयम नहीं है, तो ये प्रथम पुरुष के कर्ता जो ऊपर हम बात कर चुके हैं से सा भवान। तो प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग किया गया, देखिए धावतु फिर धावतु और फिर धावतु, प्रथम पुरुष एकवचन का कर्ता, प्रथम पुरुष एकवचन की क्रिया, से धावतु वह दौड़े, सा धावतु वह दौड़े, भवान धावतु आप दौड़े। अब प्रथम पुरुष द्विवचन का कर्ता देखिए तव, वे दोनों, ते स्त्रीलिंग है वे दोनों, और भवंतौ आप दोनों, ठीक है। यहां पर तव ते भवंतौ ये प्रथम पुरुष द्विवचन के कर्ता है, यहां पर मध्यम पुरुष का भी कोई कर्ता नहीं, उत्तम पुरुष का भी कोई कर्ता नहीं, देखिए तो ये प्रथम पुरुष द्विवचन के कर्ता है। तो प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे हम धावताम, देखिए धावताम और धावता, वे दोनों दौड़े, वे दोनों दौड़े, भवंतो आप दोनों धावताम दौड़े। नेक्स्ट है ते, प्रथम पुरुष बहुवचन का कर्ता, ता प्रथम पुरुष बहुवचन का कर्ता, भवंते प्रथम पुरुष बहुवचन का कर्ता, तो ये प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया है धावंतु धावंतु धावंतु, ते धावंतु ता धावंतु भवंते धावंतु, इस प्रकार से वाक्य बनाएंगे। तो आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि ये प्रथम पुरुष के ही कर्ता क्यों है, तो हम आपको बता चुके हैं कि त्वम युवाम यूयम ये मध्यम पुरुष के कर्ता होते हैं, अहम अवम वयम ये उत्तम पुरुष के कर्ता होते हैं, इनके अलावा जो भी कर्ता होंगे वो सब प्रथम पुरुष के कर्ता होंगे, अहम अवम वयम उत्तम पुरुष के कर्ता, त्वम युवाम यूयम मध्यम पुरुष के कर्ता, इनके अलावा जो भी कर्ता हैं वो सब प्रथम पुरुष के कर्ता होंगे। एक अभ्यास और कीजिए, भवति स्त्रीलिंग है, भवति मीन्स आप और राम है प्रथम पुरुष एकवचन, भवति प्रथम पुरुष एकवचन, प्रथम पुरुष एकवचन की क्रिया धावतु और धावतु, भवत्यो आप दोनों स्त्रीलिंग और राधा गोपाले छे द्विवचन है, प्रथम पुरुष द्विवचन, ठीक है। तो प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया का प्रयोग किया है धावता और ये धावता। आगे देखिए भवते प्रथम पुरुष बहुवचन का कर्ता, भवती आप, भवत्यो आप दोनों, भवते हैं आप सब, ये स्त्रीलिंग के कर्ता है, ठीक है। तो ये बहुवचन है, तो बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया गया धावंतु आप सब दौड़े। इधर है सीता राधा गोरी छे, तीन हो गए, तो तीन हो गए तो बहुवचन हो गया और धावंतु, ये धावंतु का प्रयोग किया गया है, सीता राधा गोरी छे, सीता राधा और गोरी धावंतु दौड़े। तो साथियों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।